बाद केदारनाथ से खबर, जहां पर हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड एक बार फिर से हुआ है। डोलियो देवी पर बड़ी चट्टान टूटकर सड़क पर आ गई है। गनीमत रही कि जिस समय भूस्खलन हुआ उस वक्त सड़क से कोई नहीं गुजर रहा था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। केदारनाथ हाईवे पर बारिश के जगह जगह पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है बारिश के बाद से, और कई बार पहाड़ी से मलबा आने की वजह से सड़क भी बंद हो रही है। हालांकि प्रशासन की टीम बंद हाईवे को खोलने के काम में जुटी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं बेहद ज्यादा डरावनी तस्वीरें। पूरी पहाड़ी ही टूटकर नीचे आ गई है। लगातार बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं, और इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से केदारनाथ में बड़ी आपदा आई थी, और अब एक बार फिर से बोल्डर मलबा पूरी तरह से नीचे आ गया है, यानी पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर गुप्तकाशी से सोनप्रयाग के बीच लगभग 7 जगह स्लाइडिंग जोन हर दिन परेशानी का सबब बन रहे हैं, और हल्की बारिश होते ही मलबा और पत्थर सड़क पर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या डोलियो देवी के पास है, जहां हल्की बारिश होते ही हर दिन हाईवे बंद हो रही है। वही विभाग को अभी तक मात्र 2 स्किनिंग जोन की ट्रीटमेंट के लिए ही पैसा मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि 2 स्किनिंग ट्रीटमेंट की जा रही है, लेकिन जो खतरा है वो 7 जगह ऐसे हैं जहां पर स्थिति खराब है। कभी भी कोई बड़ा लैंडस्लाइड हो सकता है, कभी भी कोई बड़ा खतरा बना हुआ है वहां पर। तो स्लाइडिंग जोन का ट्रीटमेंट बहुत कम तादाद में हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से जगह जगह पर इस वक्त कई स्लाइडिंग जोन है, जिनको भी देखना बेहद जरूरी है। हमारा डोलिया देवी था खाट का जो पोर्शन था, तो हमारा सिंकिंग जोन के अनुसार हमारा कार्य वहाँ चल रहा है, और कुछ पोर्शन में जिसमें वो एस्टिमेट में नहीं लिया गया था, तो काफ़ी हाइट की जो पहाड़ियाँ थी तो उसमें भी गिरने पत्थर सिंकिंग हो रहा है, तो उसका भी सीओएस बना रहे हैं, मतलब वेरिएशन जा रखा है भारत सरकार को, तो वो जैसे सेंक्शन हो जाएगा तो वहाँ पर भी ट्रीटमेंट का कार्य कराया जाएगा। फिलहाल हम लोग यातायात को हम लोग सुचारू रख रहे हैं। रात्रि के समय जब कभी कोई पत्थर पहाड़ से गिरता है तो उस समय थोड़ा सा हम लोग ट्रैफिक नहीं चलवाते हैं, और लगभग हम लोग 1-2 घंटे का अंतराल में स्लिप सफाई करने के बाद तुरंत हम लोग ट्रैफिक को चालू रखते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, केदारनाथ की आपदा के बाद जो वहां पर मुश्किलें हैं कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक जगह पर लैंडस्लाइड होता चला जा रहा है, कई लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं। इस वक्त क्या स्थिति है, कितने लैंडस्लाइड जोन है जो खतरे की घंटी बजा रहे हैं? जी बिल्कुल नीलू, आपको बता दें कि क्योंकि केदारनाथ वाला जो क्षेत्र है काफ़ी सेंसिटिव क्षेत्र है, और पहाड़ों में अक्सर जो बरसात के मौसम होता है, बरसात मानसून सीजन होता है, तो उसमें स्लाइडिंग और सिंकिंग जोन सबसे अधिक मुसीबत का सबब बनते हैं, और यही स्थिति अभी केदारनाथ हाईवे की है। क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले केदारनाथ में जो आपदा घटी थी उसके बाद अभी भी हालात वहाँ पर सुधर नहीं पाए, और वहाँ पर जो सड़क मार्ग इसको ठीक किया जा रहा है, पैदल मार्ग इसको ठीक किया जाना है। इसके साथ ही वहाँ पर हालांकि अभी हैली यात्रा चल रही है, लेकिन जब तक सड़क और पैदल मार्ग ठीक नहीं होते तब तक वहाँ पर यात्रा का पूरी तरह चल पाना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो रोजाना दिक्कत वहाँ पर है वो है वहाँ पर सिंकिंग जोन की, क्योंकि जो गुप्तकाशी से और सोनप्रयाग का जो लगभग 12-13 किलोमीटर का पैच है उस पर 7 सिंकिंग जोन है, और वो ऐसे जोन है जो हर दिन कहीं ना कहीं खतरे का सब है। लगातार वहाँ पर स्लाइडिंग हो रही है। आपको कल भी एक लगातार एक तस्वीरें हमने दिखाई थी न्यूज 18 पे, कल एक पहाड़ी दरक गई थी, उसके बाद काफी दिक्कतें वहां पे थी। वो गनीमत रही कि वहां पे कोई वाहन नहीं थे, और जब हम पिछली बार हम रिपोर्टिंग के लिए भी गए थे वहां पे तो लगातार हम भी अपनी जान मुश्किल में डालकर वहां पे से निकले थे। तो कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए तो ये सबसे बड़ा खतरा है। और सबसे बड़ी बात है कि NH जो डिपार्टमेंट है उसने 7 सिंकिंग जोन का एस्टिमेट भारत सरकार को भेजा था NH को, लेकिन उसमें से केवल 2 के लिए ही बजट मिला है और बाकी के लिए अभी तक पैसा नहीं मिला है। और सबसे बड़ी दिक्कत अब NH के सामने ये है क्योंकि लगातार बरसात हो रही है, यात्रा भी चल रही है, तो ऐसे में अगर वहां पर ट्रीटमेंट का कार्य किया जाता है तो कहीं ना कहीं वहां पर दिक्कतें होगी, जाम की समस्या पैदा होगी। तो अब NH ये सोच रहा है कि कहीं ना कहीं बरसात सीजन खत्म हो जाए तो उसके ही बाद वहां पर काम शुरू किया जाए, उसका ट्रीटमेंट। लेकिन दिक्कत बड़ी है, खतरा ज्यादा है, और कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए जो बाहर से लोग आते हैं जिनको पता नहीं रहता है पहाड़ों में, उनके लिए ज्यादा दिक्कत है। जी चलिए ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बद्रीनाथ हाईवे भारी बारिश के बाद बंद हो चुका है। हाईवे गौचर कमेड़ा के पास मार्ग बंद हो गया है। मलबा आने की वजह से पूरी तरह से मार्ग एक तरह से बंद माना जा रहा है। सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें दोनों तरफ लग गई है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम और हेमकूट जाने वाली यात्री रास्ते में ही फंस गए हैं। NHI यानी कि हिंडालको सड़क को खोलने में जुटी है,
वहीं शनिवार को NHIDCL कंपनी के खिलाफ लोगों ने नाराजगी भी जताई, जिसको लेकर लोगों ने समय पर हाईवे ना खोलने प्रयास। बागेश्वर में कल देर शाम एक पेड़ गिरने से गरुड़ बागेश्वर यातायात भी ठप हो गया। इस पेड़ के गिरने से एक टैक्सी और एक मकान की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू करवाया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से एक देवदार का पेड़ गिरा और इसके नीचे मकान का की एक दीवार आ गई और एक टैक्सी भी इसके नीचे आ गई। बाद में पेड़ की डालियों को वहां से हटाया गया, काटा गया, तब जाकर वहां से रास्ते को खोला जा सका। और बागेश्वर में बारिश जो है वो आफत बनकर बरस रही है। आज बागेश्वर जिले के लिए भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। बारिश के अलर्ट जारी होने के बाद जिला प्रशासन ने सभी आपदा रिस्पांस टीम को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। इस मॉनसून सबसे अधिक नुकसान लघु सिंचाई की परिसंपत्ति के बाद सड़कों और आवासीय मकानों। बातचीत करने के लिए इस वक्त बागेश्वर से सुष्मिता थापा सहयोगी। जारी किया है बागेश्वर के लिए, उन्हें बताया है कि बागेश्वर में जो आज है भारी से भारी बारिश होने की जो संभावना आज बागेश्वर में लगातार जो बारिश हो रही है उसके कारण कई तरह के नुकसान हम इसमें सामने देख रहे हैं। 42 करोड़ का इसमें अब तक नुकसान बागेश्वर में हो चुका है और ये जो आंकड़े हैं जुलाई के जो पहले हफ्ते थे उसमें 4.5 करोड़ का नुकसान उसमें हुआ था और जो आखिरी जो इस हफ्ते में ये जो नुकसान था 42 करोड़ पहुंच गया। और इसमें भी सबसे ज्यादा नुकसान जो है सिंचाई विभाग पर संपत्तियों को हुआ है, जिसमें 27 करोड़ का नुकसान उनकी योजनाओं को हुआ है। तो प्रशासन लगातार इसमें देख रहा है। बागेश्वर में लगातार बारिश के कारण जो नुकसान है उसके आंकड़े बढ़ रहे हैं। साथ ही इसमें इस बार सबसे ज्यादा जो नुकसान है मकानों को देखने को मिल रहा है। अब तक 150 से जो ज्यादा मकान है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और प्रशासन लगातार इसमें रिस्पांस को दे रहा है। लोगों जिनके मकान टूट गए हैं उनके रहने की व्यवस्था भी इसमें की जा रही है। बिल्कुल, तो भारी बारिश से लगातार नुकसान देखा जा रहा है सुष्मिता, और सबसे ज्यादा यही कोशिश की जा रही है कि किस तरह से इसकी भरपाई हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इसके साथ आज बागेश्वर में भारी से भारी बारिश हो सकती है। तो लगातार हरेक जगह पर देखने को मिल रहा है बारिश का पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। भारी वर्षा एक दुखा जगहों में जो हिल्स में है, जो डिस्ट्रिक्ट हमारे उनमें वो मिलेगी, और जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उसमें हैवी से वेरी हैवी तक 11 तारीख को भी, तो वहाँ पर वो रहने की संभावना है। उसके बाद थोड़ी एक्टिविटी कम हो जाएगी आगे एक दो दिन जो है, और आगे जो बढ़ेगी एक्टिविटी वो करीब 15 से जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है, या 14 शाम रात से 15 से जो है। हरिद्वार में शाम के वक्त अचानक मौसम बदला, तेज बारिश हुई जिसके बाद चीला में पड़ने वाली बरसाती नदी पूरे उफान पर आ गई और नदी का पानी सड़क तक आ गया। नदी के उफान पर आने से आवाजाही रुकी रही, लेकिन इस दौरान कई कांवड़िए जान जोखिम में डालकर बरसाती नदी को पार करते दिखाई दिए। ऋषिकेश की ओर से आ रहे कांवड़िए तेज बहाव के बीच में अपनी बाइक निकाल रहे थे। कांवड़ियों की ये लापरवाही हुआ, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की चीजें हैं तो हम लोगों से यही अपील करेंगे कि इस तरह से नाले पार ना करें। कभी भी पानी का फोर्स बढ़ सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। एक पुलिस कांस्टेबल 20 सड़क बाइक सवार को पीट रहा है, वही वीडियो। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। शव उसी के घर पर मिला, लड़के का शव कमरे के पंखे में लटका हुआ मिला। दरअसल शुक्रवार रात एक नाबालिग कार ड्राइवर ने सड़क चलते लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी। काठगोदाम से लेकर हल्द्वानी तक उसकी तेज रफ्तार कार ने 5 लोग घायल कर दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी कि अचानक एक और बुरी खबर सामने आ गई। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह इस लड़के की संदिग्ध मौत हो गई। इस लड़के की बॉडी इसी के घर में पंखे से लटकी हुई मिली। बताया जा रहा है कि मृतक लड़का नैनीताल के नामी स्कूल में 12वीं का छात्र है। रामनगर में छोई के पास एक्सीडेंट में एक लड़के की मौत हो गई, जबकि एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मार दी। गाड़ी सीओ संचार रुद्रपुर की बताई जा रही है। एक्सीडेंट की खबर जैसे ही उसके परिजन और मोहल्ले वालों को लगी तो सभी लोग कोतवाली पहुंच गए। आरोपियों को पकड़ने की अब मांग की जा रही है। मेरा भाई और वो हमारे घर में टाइल लगाने वाले मिस्त्री वहाँ बैल पड़ा और टाइल देखने के लिए गए थे,
और उनके लौटने के दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ है, सीओ की गाड़ी से बताया जा रहा है, और उसका फुल प्रूफ भी है, वीडियो भी है। और जब मुझे यही पता लगा कि सीओ की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और दोनों ड्राइवर और उसके बगल में जो बैठे थे दोनों बिल्कुल फुल थे बिल्कुल एकदम, और पुलिस लिपापोती कर रही और यहाँ दारू पी के जब यहाँ छोड़ना है यहाँ छोड़ के सीधे भाग गए दो ड्राइवर भी, मेडिकल कराने नहीं आए थे। और उत्तर प्रदेश के साथ आज भी मसले पूरी तरह से नहीं सुलझ पाए हैं। उत्तराखंड में करीब 1000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर उत्तर प्रदेश का कब्जा है, ऐसे में उत्तराखंड फिर से दावे की तैयारी कर रहा है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत के मुताबिक जहां पर साल 2016 में थे आज भी वहीं खड़े हैं। साल 2000 में उत्तराखंड यूपी से अलग तो हो गया, लेकिन जमीन पैसे का हिसाब किताब अब तक पूरा नहीं हो सका है। उत्तराखंड से 25 गुना ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश से पूरा हक लेने में कामयाबी नहीं मिली है, जबकि दिल्ली यूपी और उत्तराखंड में 7 साल से बीजेपी सरकार है। उत्तराखंड में करीब 1000 हेक्टेयर जमीन पर अभी भी यूपी का ही कब्जा है, और हालात ये है कि ये हाल सहमति के बाद है। हरिद्वार में 697 हेक्टेयर जमीन है, मेले में इसके इस्तेमाल के लिए यूपी की परमिशन लेनी पड़ती है। ऊधम सिंह नगर में 232 तो चंपावत में 208 हेक्टेयर पर यूपी का ही कंट्रोल है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है लेकिन हिस्सेदारी यूपी की है, और मामला भी अभी सुप्रीम कोर्ट में है। तो वन विकास निगम के करीब 900 करोड़ रुपए की पेमेंट यूपी के पास है। जमीन का मामला बड़ा है, इसीलिए उत्तराखंड दावा ठोकने की तैयारी कर रहा है। पुनर्गठन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक 1-1 इंच जमीन जरूरी है। यदि हमारे क्षेत्र में हरिद्वार में 615 हेक्टेयर शायद है, तो इस प्रकार के लिए 637 हेक्टेयर, तो ये सारी चीजों के लिए हम अपना दावा क्यों ना करें, हम दोबारा बातचीत क्यों ना करें, ये निर्णय हो चुके हैं। आज जैसे 615 हेक्टेयर पे जियो होना बाकी है, निर्णय हो गया, लेकिन 637 बचा है, 637 हेक्टेयर, तो उसमें हमने कहा इसमें हम दोबारा से बातचीत करते हैं। तो मेरा मतलब ये कि हम अपने प्रदेश के लिए जितना ज्यादा ज्यादा हम ले सकें वो हमारा प्रयास है। दोनों राज्यों में 2017 में बीजेपी सरकार बनने के बाद सभी मसले सुलझने की उम्मीद जगी थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुताबिक बीजेपी इंच इंच जमीन की बात कर रही है, लेकिन 7 साल में तिल भर भी बात आगे नहीं बढ़ी है। चीफ मिनिस्टर ने नहीं, भाजपा के दो दो चीफ मिनिस्टर जो है गुणगान भी कर चुके, और कुछ भी अभी तो राई रत्ती एक एक ढेले का फर्क नहीं आया। जितनी चीजें हमारे समय में निर्धारित हुई थी उससे आगे 1 इंच नहीं बढ़ा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब राज्य अलग हो गया तो फिर उत्तराखंड के अंदर यूपी का कब्जा कैसे हो सकता है। राज्य बनने के साथ ही अगर मसलों को सुलझा दिया गया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती कि अपनी जमीन पर हक पाने के लिए समझौते के बाद भी दावा ठोकना पड़ रहा है। दीपांकर भट्ट, News18 देहरादून। देहरादून में कांग्रेस ऑफिस में शुक्रवार को कोई शख्स बीजेपी की का झंडा लगा गया, और जो वहां गाड़ी खड़ी थी उस पर ही ये झंडा लगाया उसने। कांग्रेस ऑफिस में बीजेपी के झंडे वाली गाड़ी दिखी तो हलचल तेज हो गई। जब पता नहीं चला तो युवा कांग्रेस के मोहित मेहता ने धारा चौकी में पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने क्रेन से बीजेपी का झंडा लगी गाड़ी ऑफिस से बाहर ले गई। वहीं चर्चा ये भी रही कि कहीं कार कांग्रेस के किसी बागी की तो नहीं जो खुद बीजेपी में चला गया हो, लेकिन गाड़ी खड़ी करके करने पे कांग्रेस ऑफिस आ रहा था। उत्तराखंड में जनवरी से निकाय चुनाव का इंतजार हो रहा है, पर अब सरकार चुनाव के लिए तैयार होने की बात खुद कह रही है। शहरी विकास मंत्री के बयान से बीजेपी खुश है, लेकिन कांग्रेस को उनकी बात पर यकीन नहीं है। अक्टूबर में निकाय चुनाव का इंतजार खत्म हो सकता है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए तैयारी कर रहे नेताओं के लिए अच्छी खबर है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक वोटर लिस्ट का काम पूरा हो चुका है, परिसीमन भी करीब करीब पूरा हो चुका है और सरकार तैयार है।
निकाय चुनाव बहुत जल्दी हम कराने की स्थिति में हैं, क्योंकि जो हमारे पहले की क्रियाएं हैं हम वो पूरी कर ली हैं। जैसे मतदाता सूची हम पूरी कर चुके हैं, हमारे यहाँ सीमांकन लगभग सभी निकायों का हो गया है, कुछ को छोड़ के। उत्तराखंड में ज्यादातर निकायों में बीजेपी का होल्ड है, ऐसे में बीजेपी नेता फील्ड में निकाय चुनाव को तैयार है, लेकिन कांग्रेस को शहरी विकास मंत्री की बातों पर यकीन नहीं आ रहा। की तो तैयारियां हमारी पूरी तरीके से आगे बढ़ चुकी है, तैयारियां पिछले क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये प्रतिदिन ऐसे ही जीता है कि इसको चुनाव लड़ने की तैयारी करनी है, तो चुनाव मोड में भारतीय जनता पार्टी है, लगातार काम में लगी है। देखिए ऐसा पिछले बार दो बार पहले भी बोल चुका, उसके बाद बोल चुके कि ऐसा नहीं हो पाया, तो अभी भी वो कह रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे, इसका भगवान भरोसा। निकाय चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए अगला बड़ा चुनाव है, नेता अपने अपने लेवल पर तैयारियों में भी लगे हैं, लेकिन कौन उम्मीदवार बनेगा और किसका पत्ता कटेगा ये तारीख के ऐलान से पहले आरक्षण से तय होगा। पंकज भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। और कोटद्वार से खबर, जहां पर बालासोड़ में आयोजित हरेला तीज कार्यक्रम में पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी महिलाओं के साथ जमकर थिरकी। कार्यक्रम में लोकगीत पर रितु खंडूरी महिलाओं के साथ डांस करती नजर आई। इस दौरान रितु खंडूरी ने कहा कि पहाड़ की महिलाएं आत्मविश्वास के साथ हर क्षेत्र में आगे आ रही है और अपनी परंपराओं को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और सावन के महीने में जगह जगह तीज प्रोग्राम आयोजित हो रहे हैं। शनिवार को देहरादून में बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने भी तीज उत्सव का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। तीज उत्सव की मुख्य अतिथि समाजसेवी माता मंगला रही, उन्होंने सभी महिलाओं को तीज की शुभकामनाएं दी और नेहा जोशी ने कहा कि तीज उत्तराखंड का पर्व नहीं है, लेकिन अब महिलाएं इस पर्व को मना रही है। महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात है कि समय समय पर उनके सुहाग के लिए और वो बड़ा अपने हमेशा से अपने पतियों की सुरक्षा के लिए इस व्रत को रखती थी, तो आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारी बेटी अपने नेहा ने इतनी सुंदर सोच के साथ महिलाओं के लिए कार्यक्रम रखा और मैं उनको बधाई देती हूँ। और हमेशा जितनी भी महिलाएं आई हुई सबके सौभाग्य के लिए माँ से पार्वती से माँ शक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी लंबी आयु हो। इनकी महिलाओं ने तीज को अपने रंग में रंग लिया। आप देखेंगे कि महिलाएं टीरी की नथ पहन के और पिथौरागढ़ का पिछौड़ा पहन के, हमारे जौनपुर का ढाटू पहन के यहाँ पर तीज मना रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक कल्चर सारे मिक्स होते हैं और एक मौका मिलता है एक दूसरे की प्रशंसा करने का, एक दूसरे को चीयर करने का। पौड़ी के बीरो खाल ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवीखाल कोठा का स्कूल राम भरोसे चल रहा है। यहाँ टीचर के स्कूल नहीं पहुंचने पर स्कूल बंद रहा और बच्चे घंटों इंतजार करते रहे। प्राथमिक विद्यालय दो टीचरों के भरोसे है, इनमें से एक शिक्षक 3 दिन की छुट्टी पर थी और दूसरी टीचर भी बिना छुट्टी के गायब हो गई। वहीं स्कूल पहुंचे अभिभावकों ने बंद स्कूल का वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो का संज्ञान लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया। और आप देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। चक्राता वन विभाग की रिवर रेंज में देवदार के पेड़ काट रहे एक शातिर वन तस्कर को वन विभाग की टीम ने मौके से धरता पूछा। इस दौरान तस्कर के दो साथी चकमा देकर फरार हो गए। अल्मोड़ा पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों युवक नेपाली हैं जो रात को चोरी करते थे और दिन को जंगल में छिप जाया करते थे। विकासनगर पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 10 वारंटियों को गिरफ्तार किया। अलग अलग घटनाओं में आरोपी शामिल थे और सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। विकासनगर के साहिया में नवजात बच्चे की मौत के मामले में अब तहसील प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। ऋषिकेश में राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शन किया। IDPLCT गेट पर भी जमकर नारेबाजी की। नई टेहरी PG कॉलेज को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का कैंपस बनाने समेत 800 मांगों को लेकर छात्र संगठन का धरना जारी है। टेहरी DM मयूर दीक्षित ने बौराड़ी की जिला लाइब्रेरी का औचक निरीक्षण किया।
और रजिस्ट्रार के साथ ही साफ सफाई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। बद्रीनाथ धाम में दो दिवसीय नर नारायण जयंती बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई। भगवान बद्री विशाल का विशेष अभिषेक किया गया। रुद्रप्रयाग के ललूड़ी गांव में घास लेने जंगल गई एक महिला पर गुलदार ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गई। विकासनगर में पुलिस ने मैक्स गाड़ी चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पेट्रोल पंप के पास से चोरी की गई थी गाड़ी।